अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। दिल्ली स्पेशल पुलिस ने बेंगलुरु से 21 साल कदीम आबो हवा के कारकन को गिरफ्तार किया। वो हफ्ता के रोज़ बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाली दिशा रावी हैं और इन्हें इतवार के पटियाला अदालत में पेश किया गया था। किसानों के एहतजाज पर टूल किट के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसे ट्विटर पर नौ उम्र आबो हवा के कारकन ग्रेटा थम्बरग ने शेयर किया था। दिल्ली पुलिस के एडिशनल PRO अनिल मित्तल ने बताया, रवि को 5 दिन के लिए पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। स्पेशल सील गूगल दस्तावेज टूल किट के पीछे की गई साजिश की तहकीकात कर रहा है। दिशा रवि माउंट कामिल कॉलेज से फारिगुल तहसील हैं और मुस्तकबिल हिंदुस्तान के जुमा के बानियों में से एक हैं। कहा जाता है कि पुलिस को पता चला है कि रवि टूल किट के एक मुदीर था और दस्तावेज की तश्कील और बाजी का एक अहम साजिश भी था। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 एट दुर्गापुर। एंड फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 9434822278। इतवार की सुबह 28 पैसे इजाफे के बाद हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में खुदा फरोख्त में इजाफे वाले पेट्रोल की फी लीटर की शरह 100 रुपये को अबूर कर ली गई है। बाकायदा और प्रीमियम फ्यूल ग्रेड के दरमियान अहम फर्क ऑक्टेन नंबर है। बाकायदा ईंधन में ऑक्टेन की तादाद कम होती है, जबकि आमतौर पर ईंधन में 91 ऑक्टेन की दर्जाबंदी होती है। वाज़ह रहे कि ऑक्टेन नंबर ईंधन के अग्निशन क्वालिटी का पैमाना है। वाज़ह रहे कि प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपये को अबूर कर चुकी है। कांग्रेस ने मरकजी और रियासती हुकूमों दोनों पर हमला किया। इन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो ईंधन की कीमतों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इन्हें माशी तबाही की तरह ढकेल रहे हैं। ज़राए ने बताया कि 1 फरवरी के यूनियन बजट के बाद 6ठी बार और 1 जनवरी से 17वीं बार कीमतों में इजाफा देखा गया है। पेट्रोल की कीमतों में 1 लीटर के करीब 1.90 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि डीजल की मुद्दत में 2 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ है। 6 दिन में पेट्रोल के लिए फी लीटर 1.80 रुपये और डीजल में 1.88 रुपये की कीमतों में इजाफा हुआ है। कांग्रेस समेत हजब इख्तलाफ की जमातों ने नरखों में होने वाले बेलगाम इजाफे को तनकीद का निशाना बनाया है, जिसने आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए टैक्सों में फौरी कमी का मुतालबा किया है। ताहम तेल के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट को बताया था कि हुकूमत इनके रिकॉर्ड आला से नरखों को ठंडा करने के लिए एक्सरसाइज ड्यूटी में कमी पर गौर नहीं कर रही है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। कुल्टी से विकास प्रसाद के मुताबिक कुल्टी थाना आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आइंदा असेंबली इंतखाबात में पुरअमन वोटिंग के लिए इनकी हौसला अफजाई के लिए कमिश्नरेट की संगतोड़िया फदी पुलिस ने इतवार के रोज़ फदी के इलाके में रूट मार्च किया। इस दौरान लोगों से बातचीत के बाद जोन के तहत होने वाले इंतखाबात के बारे में मालूमात इकट्ठी की। मालूमात के मुताबिक रियासती असेंबली इंतखाबात से कबल अपनी जोश व जज्बे को जाहिर करने के लिए इतवार के रोज़ पुलिस ने संगतोड़िया चौकी के इलाके रक्ता में हंती नाल गांव में सामतोड़िया को पुलिस स्टेशन संदीप दास अफसर लालन सिंह की सरबराही में अफसर की क्यादत में मंडल बाबू ने रास्ते मार्च किया। रोड मार्च के दौरान पुलिस ने अपने इलाकाई बूथ्स में वोटिंग के तरीका कार के बारे में मालूमात इकट्ठी की। यहां पर पोलिंग सेहत मंदाना अंदाज में की जाती है या खौफनाक माहौल में भी पुलिस को इसके बारे में यकीन है। पुलिस ने अवाम को बेखौफ होकर असेंबली इंतखाबात में पुरअमन तरीके से वोट डालने के लिए कायल किया। पुलिस के इस रोड मार्च के बारे में कुलटी मंडल 1 BJP सदर बबलू पटेल ने कहा कि खौफ से पाक माहौल बरकरार रखना पुलिस का काम है, इसे चाहिए। कहा कि लोग सिर्फ पुरअमन वोटिंग चाहते हैं, राह में जो भी आना चाहता है ज़रूर आएगा। खौफ ज़्यादा माहौल में वोटिंग डालने से राय दहिंदगान को खुलकर वोटिंग डालने की सहूलत मिलती है, वोटिंग की फ़ीसद भी ज़्यादा है। अब ये मामला है कि वोटर किसका इंतखाब करेंगे। टोबा शुमाली DYFI यूनिट के जरिए AB
टाइप बनपुर में पुलवामा शहीद की याद में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। मौजूदा मौजीन अनिमिका सरकार, सागर बैनर्जी, हेमंत प्रभाकर, अनुजत सेनगुप्त, अंटको नेटा, हरजीत सिंह, नदुवीप माझी, सुडुप माझी, सेकी परेसी, दाई बनपुर, चंदन मिश्रा, प्रथा संगबत, दीपायान राय, अंशुमन मुखर्जी वगैरह मौजूद थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वीर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी, जिसकी मिठाइयां और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 03412305017 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हॉल में किताबों की रिलीज की तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसकी सदारत DRM अजम इलाकाई, हदायतकार मनु कोलकाता से हुई। मेहमान खसूसी के तौर पर यहाँ पर डॉक्टर मासूम रजा अमरथवी, साबका स्पेशल PP जमुई बिहार, जमुई से साबका शोभा उर्दू की ख्वातीन मौजूद थीं, और डिग्निट्रीज के तौर पर डॉक्टर अफजल हक, डॉक्टर अशरफ जाफरी कोलकाता, डॉक्टर साबरा खातून हिना प्रोफेसर ऑफ रानीगंज DDB कॉलेज, डॉक्टर आसिम शहनवाज सिबली कोलकाता, डॉक्टर ख्वाजा हुसैन ऑफ कांग्रेस फ्रॉम कोलकाता, डॉक्टर हसरत मोहानी वगैरह मौजूद थे। खुर्शीद घनी, खालिक अदीब, इमरान कुरैशी, सुलेमान सर, खुर्शीद अदीब, हसन वारसी, अब्दुल मुनाफ इलियासी, अजीज़ अहमद अजीज़, हाफिज सिंगर, आलम अंजुम और दीगर ने अपना ताउन दिया। इसका इनेकाद बज़्म निसा और बज़्म मिराज के बैनर तले किया गया था। मेन राइटर्स के तौर पर यहाँ एहसान साकिब, डॉक्टर इशरत बेताब, मिराज अहमद मिराज वगैरह शामिल थे। जहाँ था वहीं पे उतरे हैं, जमी के थे जो परिंदे जमी पे उतरे हैं, और तुम्हारी बज़्म को देखा तो ये हुआ महसूस जैसे चांद सितारे जमीन पे। सुभान अल्लाह, बहुत वाह, क्या बात है। इल्म व अदब की ये खालिस महफिल, हम लोग सियासत से हमारा ताल्लुक है, लेकिन का शुक्रिया और इस्तकबाल और इतने चार किताबों की रूनुमाई एक साथ और इतना कामयाब प्रोग्राम तमाम उर्दू के माहिर नजूम और सामईन दानिश्वर तमाम की मौजूदगी ये साबित करती है कि कामयाब और कामयाब जितनी मुबारकबाद दी जाए वो कम है।
और इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू 11 बजे से ये प्रोग्राम का आगाज हुआ और तकरीबन 3 बजने जा रहे हैं और तमाम शेर वदब के, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बच्चियाँ भी हैं, ख़वातीन भी हैं और पढ़ने लिखने वाली बच्चियों का एक सिलसिला है, काफिला है, और उसकी सरपरस्ती हमारे इबरत ईश्वर बेताब साहब करते हैं। ये बड़ी बात है और नई नस्ल जब तक नहीं आएगी उर्दू की हालत अच्छी नहीं है। सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जेर है तमाम तारीखी जुलूस। सलानपुर में मरकजी हुकूमत की कीमतों में इजाफे और जरी बिलों पर धोखादही के खिलाफ बाराबंकी के एमएलए बेदन उपाध्याय की क्यादत में एक तारीखी जुलूस को सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस से कलियाताला जंक्शन से कसमोमाली जंक्शन बुलाया गया, जहाँ हजारों अफराद मोटरसाइकिलों, टेम्पू, ट्रैक्टरों के साथ शामिल हो गए। ऐसा ही अजीम जुलूस में लोगों का हुजूम देखने को मिला। इस जुलूस का इफ्तिताह इस दिन पुलवामा हमले के 40 शहदा की कुर्बान गाह पर फूलों की चादर चढ़ाते हुए किया गया था। बरवनी के एमएलए वेदन उपाध्याय ने फूलों की चादर चढ़ाते हुए शहदा को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस रूपनारायणपुर के रास्ते कसमकनली गया और तृणमूल कायदीन शाहिद प्रेश मंडल और रतन मिश्रा की कुर्बान गाह पर फूल चढ़ाते हुए इख्तिताम पजीर हुआ। इस तनाजर में बरवनी के एमएलए वेदन उपाध्याय ने कहा कि जिस तरह माल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और सेंटर के जरिए बिल पर धोखा दही के खिलाफ आज का जबरदस्त जुलूस सलानपुर का मतलब है। निचली सतह जिसका सबूत इस जुलूस में आम लोगों की हिमायत है, इससे कोई मुआवजना नहीं किया जा सकता। अब लोग तरक्की चाहते हैं और तरक्की सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही कर सकती है। कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जो आम लोगों के साथ रेस कम्युनिटी की सियासत करती है। मुझे यकीन है कि रियासत के अवाम इन इंतखाबात में इन तमाम पार्टियों को काबिल जवाब देंगे, इसलिए रियासत में तीसरी बार ममता की हुकूमत बनेगी। इसके अलावा जुलूस में सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक के सदर मोहम्मद अरमान, ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह, पंचायत समिति के सदर फाल्गुनी कर्माकर घिसी, शरीक सदर बेवित मिश्रा और ब्लॉक के तमाम कायदीन और ग्राम पंचायत चीफ डिप्टी चीफ मेम्बरान ने शिरकत की। वासुदेवपुर जमारी रीजनल कमेटी पुलवामा हमले में शहीद होने वाले अफराद के एजाज में रजाकाराना खून अतिया कैंप का इनेकाद करती है। सलानपुर में आज के दिन को मुल्क के लोग काला दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज मुल्क के लिए 40 फौजी शहीद हो गए थे। इनके खराज अकीदत पेश करते हुए वासुदेवपुर जमारी इलाकाई तृणमूल कांग्रेस ने शमे रोशन करके शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए हडमा डांगा तृणमूल ऑफिस में फूलों की चादर चढ़ाई, तकरीब का अहतमाम किया। इसके अलावा वासुदेवपुर जिमारी रीजनल तृणमूल कांग्रेस के इंतजाम के तहत आसनसोल ब्लड बैंक के इश्तराक से इस दिन रजाकाराना तौर पर खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया, जहां खित्ते के नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया किया। सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह ने खून देने वाले अफराद को ये नंबर फ्राहम किए। इसके अलावा इस मौके पर वासुदेवपुर जिमारी ग्राम पंचायत के सरबराह सुशांत मंडल, तृणमूल रहनमा काजल गोस्वामी, गोपाल दास, गौतम नाथ, एस के मिराज, पिंटू बोरी, सचिन नाग, अनिल ধুবর আর বহু সে দিগর লোক মজুদ থে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হুটমাডাঙ্গাল প্রাঙ্গণে যে আমাদের পার্টি অফিস আছে টিএমসি, সেখানে আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। কত ইউনিট ব্লাড আমাদের এখন অলরেডি 10 ইউনিটের মতো দেওয়া হয়ে গেছে। আমাদের টার্গেট আছে যাতে কেন ব্লাড ইউনিট করছো? একটা কথা যে আমাদের বাসুদেবপুর টিএমসির পক্ষ থেকে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা আয়োজন করা হয়েছে, ব্লাডের ঘাটতি, ব্লাড ব্যাংকের আমরা শুনেছি যে ব্লাড ব্যাংকে ব্লাড নেই, আর সেই জন্যে আমাদের এক সপ্তাহ ধরে আলোচনা চলেছিল যে এখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হলে খুব ভালো হয়। আর একটা কথা, 2019 সালের 14 ফেব্রুয়ারি যে পুলওয়ামাতে যে বীর শহীদদের একটা মানে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, অনেক বীর শহীদ আমাদের শহীদ হয়েছিলেন, তাদের ওনাদের মৃত্যু মানে শহীদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ইয়াতে আমাদের তাদের স্মরণে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি আমাদের বাসুদেবপুর টিএমসির অফিসে। আপনার নাম? আমার নাম সচিন নাগ। তৃণমূল
कांग्रेस ने इतवार के रोज मगरी बर्दवान जिला के पांडेश्वर में बाइक जुलूस निकाला ताकि किसानों के खिलाफ ज़राअत कानून और मरकजी हुकूमत के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया जाए। जुलूस इतवार की सुबह लडोहर झांझारा कॉलोनी ग्राउंड से पहले से ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक शुरू हुआ। आज के मोटरसाइकिल जुलूस ने ब्लॉक के 6 पंचायत इलाकों का दौरा किया। पांडेश्वर से ताल्लुक रखने वाले तृणमूल के MLA जतिंदर तिवारी और मुतअद्दी तृणमूल कारकन कार भी सवार थे। बर्दवान डिस्ट्रिक्ट अकलियती सील कुल्टी के 59वीं वार्ड में पिछले 15 दिनों से लॉकडाउन क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहा है। आज इसका आखिरी खेल था। फाइनल के आगाज में आज पुलवामा में मुद्दा फौजियों को इनकी इज्जत अफजाई की गई। इसके बाद जिला कांग्रेस के सदर दिवेश चक्रवर्ती ने खिलाड़ियों का तारुफ करा के खेल का आगाज किया। इस मौके पर जिला कायम मुकाम सदर हरजीत सिंह, अकलियती सील के चेयरमैन जाकिर हुसैन, कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस के सदर चंडी चैटर्जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रोसिजीत पेतोंडी, शशि डोबे, पामलू मजुमदा, सेक्रेटरी शाहिद परवेज और दीगर रहनुमा मौजूद थे। बीजेपी ने प्रदेश रथ यात्रा की हिमायत में पांडेश्वर में एक प्रेजेंटेशन रैली निकाली। पांडेश्वर में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रामानंद पाठक, कृष्णा प्रसाद कुशवाहा, सोशलिस्ट रजू झा, श्याम सुंदर गुप्ता, संखा विश्वास, घनश्याम राम, असेंबली कन्वीनियर सोजेस सरधर, मंडल दो स्पीकर पोरस घोष, सेक्रेटरी विनोदर मंडल, मंडल वन के चेयरमैन तन्मा घोष, मंडल थ्री के सदर संजीव बोरी, मंडल चार के सदर गोपी बगडी, महिला मोर्चा की जिला कमेटी के मेंबर सोनाली गेरी, पांडेश्वर मंडल दो महिला मोर्चा की मीरा बोरी, महिला मोर्चा की रियासती कमेटी की मेंबर अस्मिता खुटवन और गाना के दीगर मेंबरान और इस रैली में मौजूद थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए लखन गोरोनी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस कुछ दिन रियासत में मेहमान है, इसके अलविदाई यकीनी है। ऐसी जालिमाना और जालिम तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। रियासत के अवाम ऐसी जालिम हुकूमत को सबक सिखाएगी। बीजेपी खुद तरक्की करेगी, लिहाजा लोग इस बार मगरी बंगाल में बीजेपी में आएंगे और मोदी जी की निगरानी में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। में 14 फरवरी को जिला पुरुलिया की काशीपुर असेंबली के तहत हाडा अखंड मंडल बीजेपी के जरिया बाइक महाजुलूस का इनाकात किया गया। इसकी सरबराही पुरुलिया जिला बीजेपी की सेक्रेटरी अब्दुल अली मंसारी, जनरल सेक्रेटरी कमल कांत हांसडा, डिप्टी सेक्रेटरी राजेश चन्ना, अकलियती मोहास के जिला सदर अब्दुल गफ्फार अंसारी, काशीपुर असेंबली के कन्वीनियर सोपन चौधरी और हाडा अखंड मंडल ने की। मालूमात के मुताबिक काशीपुर असेंबली के तहत इतवार के रोज एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जिसमें 1000 से ज़्यादा बाइक शामिल थे। मोटरसाइकिल रैली में बीजेपी के हामी तृणमूल बिल्थरिया मौनवास चौधरी जैसे नारे बुलंद कर रहे थे। बीजेपी की जिला सेक्रेटरी और बीजेपी की जिला इंतजामी इंचार्ज अब्दुल अली मंसारी ने बताया कि काशीपुर असेंबली के लोगों ने हल्फ लिया है कि लकड़ी चोर बाली माफिया के वालिद बेटे कटमानी एंड कंपनी को उखाड़ फेंकेंगे। इन्होंने कहा कि पुरुलिया काशीपुर असेंबली के लोग पूरे बंगाल के साथ साथ ये भी कह रहे हैं। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, टॉकिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स इज आवर ग्रेटेस्ट एडिक्शन, ब्रेक द हैबिट, टॉक अबाउट योर जॉयज, हमारे मसाइल के बारे में बात करना हमारा सबसे बड़ा जिक्र है, आदत को छोड़ो अपनी खुशियों के बारे में बात करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।